बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहाली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंसा जारी है। बता दें कि इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ओबेदुल कादर ने शुक्रवार 19 जुलाई देर रात कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। वहीं उन्होंने कहा कि हिंसा काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। वहीं शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी भी की। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसमें 105 लोग मारे गए हैं। वहीं बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच अब तक 450 भारतीय स्टूडेंट अपने घर वापस लौट आए हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को नरसिंहगढ़ी जिले की एक जेल पर धावा बोल दिया था। उन्होंने सैकड़ों कैदियों को जेल से छुड़ाने के बाद वहां आग लगा दी थी।